नमस्कार दोस्तों, आप हमें क्षमा कीजिएगा, कुछ लंबे समय बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे 500 वाट से लेकर 2 किलोवाट 2000 वाट तक की मिड ड्राइव कहें या आप जो भी कहें, इनको रिक्शा वाली मोटरें हैं लेकिन आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए इस टाइप की मोटरें स्टेबल हों, इनफ हों, ये 2000 वाट तक की 48-60 वोल्ट में होंगी। जो जो होगा मैं आपको सब क्लियर करूंगा और लोडिंग कैपेसिटी, स्पीड वगैरह हर चीज़ें आपको बताएंगे। ये जो है दताई की मोटरें रखी गई हैं 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, और ये इनके डिफरेंशियल हैं 42 इंच, 46 इंच, 48 इंच, 52 और 56 इंच डबल गियर। ये सब डबल गियर में है, हाइड्रोलिक ब्रेक में है। और 2 किलोवाट तक जो हैं वो नॉर्मल वाले हैं, यानी कि 2.5 किलोवाट से हाइड्रोलिक डबल गियर स्टार्ट होता है और 2 किलोवाट तक सिंगल गियर मैकेनिकल ब्रेक रहता है। ये 10 किलोवाट तक है अभी मैक्सिमम, लेकिन 15 और 20 किलोवाट का भी ऑर्डर दिया हुआ है, उसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन वो भी आएंगी। ये जो है इसमें 500 वाट जो 500 वाट की है उसको छोड़कर, और ये तुसोयो इसको छोड़कर बाकी सभी सी वाई गोल्ड की हैं, ओरिजिनल सी वाई गोल्ड वाली हैं, ये डुप्लीकेट नहीं है। और 48 और 60 वोल्ट में अलग अलग हैं। एक आध मोटर जो है वो कॉमन भी है, वो भी आपको बता देंगे। ये सभी की सभी प्योर कॉपर वाइंडिंग में आती है, ऐसा नहीं कि इसमें एल्यूमिनियम की वाइंडिंग हो या हो कुछ और हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्योर कॉपर वाइंडिंग ही है, ओरिजिनल मोटरें हैं ये। डुप्लीकेट मोटरें जो होती हैं उनका वजन भी कम होता है, मैं इनको लगभग इनका लगभग आपको वजन भी बताऊंगा सभी मोटर का कि किसका क्या कुछ वजन हो सकता है। सबसे पहले ये 500 वाट की मोटर है, ये 500 वाट की मोटर है। उसके बाद ये सी वाई गोल्ड की 900 वाट की है, 48 वोल्ट में, 48 वोल्ट में 900 वाट। आरपीएम इसके लगभग 2800 से 3000 के आसपास है, इसके भी लगभग 2800 से 3000 हैं, और इसके भी ये 60 वोल्ट में 900 वाट है, ये 60 वोल्ट में 900 वाट है। इसका वेट 3 केजी और इसका 4.7 केजी के आसपास है, इसका भी 4.7 केजी के आसपास ही है। आरपीएम लगभग बराबर हैं दोनों के। और उसके बाद ये होती है 48 वोल्ट में 1000 वाट, इसका वेट जो है 5 केजी है। और इसके बाद 60 वोल्ट में 1000 वाट, इसका वजन भी लगभग 5 केजी ही है। आरपीएम जो है 3000 के आसपास है, 3000। उसके बाद होती है 48 वोल्ट में 1250 वाट, 48 वोल्ट में 1250 वाट। इसका वेट जो है 5.8 केजी के आसपास है और इसी में 60 वोल्ट आती है, 60 वोल्ट 1250 वाट, इसका वेट भी 5.8 केजी के आसपास है। उसके बाद 48 वोल्ट और 60 वोल्ट 1500 वाट, दोनों ही 1500 वाट है, इनका वेट 7.3 केजी के आसपास है। 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कौन सा एग्जैक्ट ही लिख रखा है, अप्रोक्स बता रहा हूँ। उसके बाद जो है 1800 वाट 60 वोल्ट में 1800 वाट, 60 वोल्ट में 1800 वाट, और फिर 48-60 वोल्ट में 2 किलोवाट। इसका वेट जो है 8.16 केजी है और इसका 9 केजी है। इनका मैंने आपको बता दिया था 7.3 केजी के आसपास। आरपीएम इनके जो है 3200 हैं, 3200 के आसपास, 3200-3300, और इसके जो है 1800 वाट के 3500 तक जा सकते हैं लगभग, और 2000 वाट के जो है 3800 तक, 3800। वेट बता दिया 9 केजी। ये दूसरे ब्रांड की मोटर है तुसोयो, इसका वेट जो है 6.46 केजी। अब आपको अंतर देखिएगा, ये 60 वोल्ट में है, 48 और 60 में 1500 वाट, वेट है 6.46 केजी। यही सी वाई गोल्ड का मोटर का वेट जो है ना, देखो कितना बड़ा लग रहा है देखने से ही,
7.3 केजी है। तब आप कैलकुलेट कीजिए कि 840 ग्राम ज़्यादा है इसका वज़न, देखना 840 ही क्या, मैं वैसे ही बोल दिया है जल्दी जल्दी में। इसका वेट कम है, 3 केजी के आसपास है, बाकी का वेट लगभग मैंने आपको बता दिया। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये ग्रॉस वेट जो है, ग्रॉस वेट 500 केजी, ग्रॉस वेट 500 केजी उठा सकती है। स्पीड भी आपको बता देंगे, स्पीड जो है इनमें 20-25 रहेगा। जिस गियर बॉक्स के साथ मैं आपको दे रहा हूँ उसमें जो स्पीड रहेगा वो 20-25 रहेगा, उसमें कम रहेगा, 17-18 के आसपास रहेगा, बाकी में 20-25 नॉर्मल व्हील साइज़ 12 और 14 इंच के साथ। अगर आप पहिए का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी। ये गियर बॉक्स है, इसमें मोटर जो है यहाँ पर कनेक्ट होगा डायरेक्ट माउंटिंग के साथ, और आर पार जो है इसके साफ्टर निकलेगा जिसपे स्क्रू जो है टाइट हो जाएंगे। 500 केजी ग्रॉस वेट, उसके बाद ये जो है 700 केजी ग्रॉस वेट दोनों ही, उसके बाद 1000 वाट वाली जो है 800 केजी ग्रॉस वेट, उसके बाद 1250 वाट वाली जो है वो लगभग 900 केजी ग्रॉस वेट, और 1500 वाट जो है वो 1000-1100 केजी ग्रॉस वेट, उसके बाद 1800 वाट जो है वो 1200-1250 किलोग्राम ग्रॉस वेट, 2 किलोवाट जो है 1400 केजी ग्रॉस वेट, और इसका वेट जो है उसे थोड़ा कम रहेगा, 50-100 किलो के आसपास कम लगाइएगा आप, जितना इसका है उससे 100 किलोग्राम तक कम इसका लोडिंग कैपेसिटी रहेगा, 50-100 के बीच में आप लगा के चलिएगा। आरपीएम इसके भी लगभग वही है, 3200-3300 के आसपास। ये सभी जो मोटर हैं ये साइन वेव हैं, एक होता है स्क्वायर वेव नॉर्मल वाली, ये साइन वेव हैं, उसको छोड़ के 500 वाट को छोड़कर बाकी सभी मोटरें जो हैं साइन वेव हैं। क्वालिटी A1 है, जिसकी जैसी क्वालिटी है मैंने आपको बता दिया है, उसकी क्वालिटी इनके जैसी नहीं है, अच्छी है लेकिन इनके जैसी नहीं है, और इसकी क्वालिटी भी इनके जैसी नहीं है। वेट से आपको मैंने बता ही दिया है, हर चीज़ क्लियर कर दिया है लगभग। ये इनके कंट्रोलर हैं, ये BLDC मोटरें हैं और इनके ये BLDC कंट्रोलर हैं। सभी कंट्रोलर ये वाले जो हैं आपको दिख रहे हैं CY गोल्ड के, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग है और वो CY गोल्ड का। थ्री स्पीड मोड है, रिवर्स मोड है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है आपकी माइलेज थोड़ी बहुत इंक्रीज करती है और एक तरह से ब्रेक का भी काम करती है, जब आप अप्लाई कर देते हैं ब्रेक स्विच के थ्रू तो ये गाड़ी को रोकती भी है और बैटरी को भी रिचार्ज करती है। ये जब आप ढलान पे जा रहे हो या फिर किसी दूसरी गाड़ी से इसको टो कर रहे हो तो उस टाइम बड़े काम की चीज़ है ये। ये जैसे 1000 वाट का कंट्रोलर है, ये 60 वोल्ट में 1000 वाट है, उसके बाद ये 60 और 48 वोल्ट में 1250 वाट है, ये 1500 वाट का है 60 वोल्ट में, ये 48 वोल्ट में है। इनमें जो है ये कोई फॉल्ट अगर होता है तो उसका भी इंडिकेटर बताएगा, सामने लाइट जलेगी। कोई भी फॉल्ट हो, जैसे थ्रोटल ख़राब हुआ तो थ्रोटल के सामने की लाइट जल जाएगी, कंट्रोलर में कोई फॉल्ट है तो ये लाइट जलेगी, मोटर का कोई फॉल्ट है तो ये होगी, ओवरलोड होगा तो ये होगा। कनेक्शन जो इसका बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो है 800 वाट तक की मोटर के लिए होता है कंट्रोलर, 800 वाट तक की मोटर के लिए कंट्रोलर होता है, और वो 500 वाट की तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हो उसकी दिक्कत नहीं होती, कम पावर का कंट्रोलर हो उसकी दिक्कत होती है। इसमें भी 3 स्पीड मोड है और रिवर्स मोड है। इसमें जो है आप कोई भी BLDC मोटर चला सकते हैं, दोनों वायर को कनेक्ट करना, ऑटो सेंसिंग होके वो बिंदास चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। कनेक्ट करके चाबी को ऑफ ऑन करना होता है। मोटर लगभग मैंने आपको बता दी, इनमें जो है सभी में कूलिंग फैन है, तो कूलिंग फैन को कभी भी नहीं हटाना।
इसकी वायरिंग है 1250 वाट तक की। जो वायरिंग है वो एक ही वायर में जो है तीनों दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है अलग हो जाती है। ये तीनों अलग अलग निकल आई, लेकिन इसमें अलग नहीं है, बाकी सभी में अलग अलग है। ये कंट्रोलर भी सीवाई गोल्ड का ही है, ये 2 किलोवाट का है, इसलिए इसका डिज़ाइन इस टाइप का है। ये भी साइन वेव है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो इस किट में इंक्लूड है। थ्रोटल, ये 3 टाइप के थ्रोटल हैं, इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है। ये पेडल थ्रोटल है, ये भी है, इन दोनों में से जो अच्छा लगे आप पेडल थ्रोटल अगर चाहिए, नहीं तो अगर हैंड थ्रोटल चाहिए तो ये वाला है। ये फुल थ्रोटल सेट है, इसमें हेडलाइट का है, 3 स्पीड है, रिवर्स फॉरवर्ड है, और ये ब्रेक का है, ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर का है, ये लो बीम हाई बीम है, और ये ऑन ऑफ के लिए है इग्निशन की, जो इसमें नीचे की तरफ से और माउंटिंग हो जाएगा। ये 60 वोल्ट का मीटर है और ये 48 वोल्ट का मीटर है। इसमें बैटरी लेवल, वोल्टेज, स्पीड और इंडिकेटर वगैरह जो होते हैं उसके साइन, हेडलाइट का साइन और कितना किलोमीटर चल चुका, ये चीज़ सब बताएगा। ये 48 और 60 के लिए जो है DC-DC कन्वर्टर है, 12 वोल्ट 20 एम्पीयर यानी कि 240 वाट आउटपुट रहेगा। लाइट इंडिकेटर हॉर्न के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरी होता है किट में। उसके बाद मेन हमारा गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है 1:15 इसका गियर रेशो है, 1:15 इसका गियर रेशो है। मान लीजिए आपने 3000 RPM इनपुट किया, आउटपुट में आपको लगभग 200 RPM ही मिलेगा, और 2 किलोवाट की मोटर जो है उसमें 250 के आसपास 250 तक आउटपुट हो जाएगा। उसमें स्पीड मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ मिलेगा, और इसमें ऑयल जो है डालना अति आवश्यक है, ऑयल डाल के ही आप इसको चलाइएगा। 3.5 किलो के आसपास, 4 किलो के आसपास शायद इसका वज़न होता है, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बता दूंगा कि कितना वज़न है एग्जैक्ट, अभी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। मजबूत गियर बॉक्स होता है ये, जब आप इसको ढंग से यूज़ करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपको देगा। अब बात करेंगे क्या कुछ इससे बना सकते हैं। देखिए, कोई मिनी DIY प्रोजेक्ट आपका कुछ भी है, छोटा प्रोजेक्ट या थोड़ा सा हैवी भी है लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से, जैसा भी है, कोई लोडर, गो कार्ट, गोल्फ कार्ट, या फिर कुछ बच्चों का छोटा ट्रैक्टर, या पावर टिलर खेत में चलाने के लिए, सही गियर रेशियो करके आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो आपको उचित लगे। लगभग पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है, अगर कोई भी किट आपको मंगवाना है तो मेरे से आप WhatsApp के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूँ। एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है स्टार्टिंग में, मेरी दुकान कहाँ पर है वो आपको बता दी है, नई वाला करोल बाग में है, 38 नंबर स्ट्रीट है और 2092 शॉप नंबर है। मंडे को मार्केट ऑफ रहता है, बाकी आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, 11:30 to 6 PM टाइमिंग है। ये बाकी सब जो है ऊपर रखा हुआ सामान, सामान बहुत तरह का है, आप मेरे से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि भाई ये सामान अवेलेबल होगा कि नहीं, तो वो बता देंगे कि भाई हाँ है या नहीं, आप वो मंगवा सकते हैं कोरियर के थ्रू। हम जो है ये सब चीज़ें कोरियर के थ्रू भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, WhatsApp के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। प्राइस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सभी किट का प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और क्या क्या इंक्लूड है वो मैंने आपको बता ही दिया है। मोटर कंट्रोलर, उसके बाद थ्रोटल, की, कन्वर्टर, चार्जिंग सॉकेट, मीटर, इन दोनों में से एक मीटर, जैसा भी आप बोलोगे, 48 चाहिए कि 60 चाहिए, गियर बॉक्स, ये सब चीज़ें आपको किट में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।